मन्ना दीदी पे प्रैंक करने वाले हैं, उसके लिए ही हम। हाय गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। अब टाइम हो रहा है सुबह के 9:30 बज रहे हैं। मैं पोछा लगा रही, अभी पोछा लगाते लगाते भूख लग गई, तो बीच में दूध पी रही हूँ, नमकीन। तो गाइस मैं आ गई हूँ नहा के। देखो बाप बेटी, ये सदमे में ये अपना फोन बुक करते, आज कई दिन से कह रहे आज बुक करते, आज वो मैं कितने बढ़ गए, 3 कल 30 पे, आज 33 का होगा, भारी दुख। अब मैं कह रही मन तो होली पे के आसपास शायद फिर से 30 का ही हो जाए, तब बुक करती हूँ। इन्हें वही फोन पसंद आया, कई दिन से देख रहे हैं फ्लिपकार्ट पे, वो पसंद आया, वो महंगा होगा 3,000 रुपये। बेरोजगार आदमी के लिए 3,000 बहुत होते हैं। बेरोजगार आदमी के लिए 3,000 बहुत होते हैं। बहुत हो यार, 3,000 रुपए तो ईएमआई का पड़ता मेरे को, इंटरेस्ट जो लगता है था 3। अब बहन जो 3,000 रुपए, उसको 3,000 का इंटरेस्ट लगेगा। हाँ मतलब लंबी किस्त करा लूंगा, मतलब मैं ज्यादा में जागते रहे, फिर भी 9 महीने सोच रहा है 3 ना, मतलब 2,500 तो पड़ेगी, 2,000 रुपए तो फालतू। अब होली पे कर दियो, अब होली पे देख लूंगा। तभी मुझे और की मजबूरी का नाम मोहम्मद वाली, अब तो टाइम काटने पड़ेगा। मूड खराब हो रहा है, पर यूं तो है जब तुम्हारी आंख में दर्द, गर्दन में दर्द, अब फोन न चला दे तो ठीक रहो, रहो ना ठीक, अब फोन न चलाते तो ठीक रहो। हाँ और क्या, फायदा देखिए करो हर चीज में। ए आना इधर आ, ये अब हाय गाइस नहीं बोलती, इससे बोल रही हो, ये शैतान हो रही है बहुत ज्यादा, जिद्दी। घूमने चल रहे, घूमने आ गया तो बोल, कैसे हो, दांत बीच के चिच्चे, दांत क्यों बीच रही है, बोलो नमस्ते हाय गाइस, नमस्ते हाय गाइस करते हो आप, करो 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 ऐसे करो, हाउ आर यू, वो से तो बोले गए पर मुंह पूरा बनाया, लिप्स देखो आना करियो, गाइस ये ड्रामे बाज है पूरी, इसका मुंह बंद रहे तो 24 घंटा या तो ही सोएगी या बोलेगी, सो आती है नहीं पता है, नहीं तो 24 घंटा को कुछ बोलती रहे वे। पापा जी हटी, वहां पे तेल लगा दे, लोशन भी लगा दे, बस और फेशियल भी कर दे अपने पापा को, बाल काट के आना, फेशियल भी कर दे अपने पापा को, सही लगा दे, मेरे सही लगा दे, गाइस देखो ऐसे किसी के बाल अपने पापा सजा रही है पूरा, आंखों की तो दे दे साई के चक्कर में, देखो कैसे पापा को बहुत प्यार करती है, देखो साई लगा कैसे रही है हाथ में लेके, और मम्मा को कहते, मम्मा को नहीं करती मैं, मम्मा को प्यार नहीं करती, हाँ अपने पापा, तो मैं बाप की मम्मा, ठीक है मैं बाप की मम्मा नहीं बनूंगी, गाइस अब मन्ना दीदी पे प्रैंक करने वाले हैं, उसके लिए ही हम तैयारी कर रहे हैं, मैंने लेट लगा के इसलिए लेट की जिससे मन्ना दीदी को पता न चले कि मैंने कैमरा ले रखा है, मैं शूट करूंगी और अंकित प्रैंक करेंगे, तो बने रहिए आप हमारे साथ देखने के लिए कि हम क्या प्रैंक करने वाले हैं अपना दीदी के साथ। बस ये ना हंसी ना छूटे, पर हंसी छूट गई तो सारे प्रैंक खराब हो जाएगा। तेज तो बहुत चले वैसे,
क्या होगा? क्या हुआ? ना मेरा ना ही हूँ, पागल है क्या? क्या मैं तो लवली से कोई बात भी ना हुई। जुना से तेरा फोन लेने में जब आया हूँ। क्या हुआ? पागल हो गया? मेरा इंस्टा फॉलो किसी को कोई मैसेज ना मेरा? वो आप भी कुछ? नहीं। वैसे कैसे तो ये बना देगा तू? अरे ना भाई तेरी कसम। अरे ना भाई हूँ। मैं जॉन टी नो नंबर है यार। जॉन टी नो तक तीन मैसेज कैसे आ रहा है? अय्या का अब तक लवली बिन कैसे? तो लवली तो ऐसे दो मेरे गांव की भी मेरी हॉबी है। पागल हूँ मैं? ऐसे तो कल लवली को मैसेज आया मेरे द्वारा यूरी कौन गई? यूरी या को भी नंबर सेव ना, या को भी सेव ना नंबर है लवली का। हाँ देखो इस पे लिख भी रहा है यू लिख रहा लवली। अब कहा वो कौन सी लवली है? अल्लभ को भी नंबर सेव है मेरे में। मैंने उन्हें कह रहा कौन सी लवली, मैंने कह रहा यू लवली के घर जा रही हूँ भाई मोन पता खाई को हंस रहे हो खाओ को क्या कर रही थी कुछ फ्रेंड डेली खाते भाई क्या जी नो रुक रही भाई लगी तो ये नो बताओ अरे यार तो देर में होगी मैं तो खून है कि स्कूल लगी कैसे अरे जाइए हम नो ले अरे मैं तो अभी सोने मन्नू तू मिलने को कह रही हूँ बाबू मैं तो फट गया खून रहा यार प्रैंक फेल करवा दिया मतलब तो कह रहा हूँ तू करती मेरे बैंक में सी छुटे मैं तो डांट भी ना पाती बना दी थी मैं मैं कपड़े एक कपड़े मैं लगा देखो चोट लगा तो कैसे तो बर्द बड़ी मां बेवार भाई तो मैं पता चल दी प्रैंक करो फिर मैं तो प्रैंक गाइस हमारा प्रैंक ये पता है किसको मैं तो वैसे देख रहा है जी पागल हो हां अब और प्रैंक बना दे मैं ना जानती आज जेब पे गंजो भेज दो के स्क्रीनशॉट ले के भाई साहब ने देख के है ना इनके नंबर से काय भेजो इनके नंबर से काय भेजो अपने से भेजो गंजू भाई साहब भेज के फिर ना अपने से मैं भेजूंगा जो भाई साहब और उनसे पूछो मैं भाई साहब देखे मगर जब मैं कुछ कहूँ मगर फिर तुम बहुत सपोर्ट करो मैं पूछो तो वहां से मगर मैं पूछो पुणे में फिर अपने से भेजो फिर देखते भाई साहब के मगर दीदी सीरियस हो गए कथे ये कौन सा आ गए मुझे डर लग रहा है ये कौन सा आ गए उसमें थी ना इसमें अच्छा सर इतने पे सेंड कर लो भाई हमने इतनी देर से प्रैंक प्लान कर रहे इतनी देर हुआ ना इन हंसी लिखने जा रही यार तो मैं कह रहा ना मेरे यार हंसी छूट जा रही हंसी का जो झूठ बोलूं ना तो मेरे मेरे के लिए विराट है बोलते बोलते नुकर टेल रहे यहाँ हाँ नाम लोग पता मुझे ये कह रहे कि मैं दीदी से बात से रही भाई साहब मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा थार दोरे भेज लो यार जब है ना कोई स्क्रीनशॉट भेजूंगा तुम्हारे दोरे दे है व्हाट्सएप पे हाँ मतलब यहाँ का बता रहा कोई नहीं कह रहा यहाँ मुझे जो है कोई यहाँ मेरे से बोल रहा है
कि मनु बाबू किसी को अजनाम लेके आ जाओ मिल, भाई मैं पागल हूँ मैं मिलने जाऊंगा, तुम्हें लगे मैं मिलने जाऊंगी कहीं? अभी आए भाई के हाथ में फोन, अभी आए। एक बात बताओ, मुझे ऐसी कोई बात होती तो मैं तो हाथ में फोन भी नहीं देती भाई। मैं भेज रहा हूँ, देखो स्क्रीनशॉट। बहन दो कितने मैसेज कि... तुम पे तो मैसेज ही नहीं पड़े तुम तो क्या ही देखोगे अरे ये झूठ बोल रहा है यार, कुछ ना मेरा ऐसे पागल हूँ क्या मैं बोलू? मौन बतो, अब मैं सबके नंबर की जांच करूं? यार तुम्हारे फोन में भी तो इतने नंबर रहे हुए लवली क्यों कह रहा कि लवली के घर आएगी जब आज? मैं लवली घर गई, मैं तुमसे सुबह से बोले कि मैं लवली घर जाऊंगी। अच्छा, उसे पता हो कि लवली के घर है, उधर है या लवली से बात करे तो जैसे भी मोन पता मैं जानती लौंडा, बस साफ बात सही होता है। मम्मी आ जाएंगे ना, मैं बता दूंगा। आप मम्मी बता लियो, मेरी गलती ना है, मैं बात ना करती, साफ बात है। हाँ तो मम्मी आ जाएंगे। हाँ पीट लो, पीट नहीं तो है, मैं जब बात ही ना करती तो ना करती, साफ बात है। तुम भी आ जाइयो पीटने को। हाँ तो दांत फाड़ रहे ना तुम्हें तो ट्रस्ट है ना, एक बार भी ना बोल रहा कि अंकित ना यू बात ना करती किसी से, ऐसे ही पड़ा रहा इसका फोन इंगे तिंगे। तुम्हें सच में लगे मतलब तुम उसे छोड़ दो कि नंबर आया, पर तुम्हें सच में लगे कि मैं किसी से मिलने या मैं किसी से बात करूं? भाई मुझे क्या पता, तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो? तो मैं मजाक में बोल रहा, अभी भी मजाक में बोल यार, तुम्हारा ट्रस्ट मेन हुआ है ना। तुम्हारे जैसे तुम्हारे एक ही है बस, जो तुम हो बस, ठीक है? जैसे चल ठीक है, सॉरी हो गएगा किसी को मैसेज आ गएगा, मैं क्या बताऊँ, सच में ना जान तो बोलू मैं। मैं मिलने को बोल रही हूँ, मिलने को बोल रहा हूँ नहीं भाई, नहीं देखो भाई के हाथ में फोन आया ना, ठीक है तो मैं मिलने जा रही हूँ, तुम्हें तो रो रो ना एक ही, मैं मिलने ही जा रही हूँ मैं। अब बता दे उनकी झूठ है ना, मैं चूतिया बना रहा हूँ मैं कहा ना, मुझे तो मजा आ रहा होगा अपनी बहने उड़ाने में। यार किसी को ना मुझे पता ही ना है, मैं क्या बताऊ तुम्हें? यार तुम्हें सच बताओ गोलू, मैं छोटी से छोटी बात तुम्हें बता दूं, उठा ना रहा, मैंने कॉल करी है। भाई जब तुम मत करिए कॉल, मैं करूँ, मैं देखूँ कौन है, ठीक है? हाँ यार मैं आज पापा से बात करूंगा ना, आज पापा ही दिखाऊंगा मैसेज ना, फिर मेरे को बहुत जल्दी कह दे तू बात लौंड करे अनु करे, पापा से करूंगा मैं बात आज। अब मम्मी आ जाना, मम्मी दिखाऊंगा, वो बहुत सपोर्ट करे ना थारी, तो मैं बहुत मजा आवे, मैं करवा दूंगा, तुम्हें बना दूंगा हीरोइन अभी एक। अरे मम्मी से मत बोलियो कुछ भी रहने दो, मम्मी पापा से मत बोलियो कुछ भी, रहने दो, शर्मनाती नु देखो तुम।
यहाँ देख लेनी चाहिए एक आदमी कितना सीधा और जितनी करे। अरे मैंने मेरी बात हुई है यहाँ से, मेरे फोन सुनते काट दे, घर का होता तो मेरे पे सारे नंबर है मेरे घर को। अरे नया नंबर ना है यार, मैं पागल थोड़ी ना हूँ, मैं बिना उसके पूछताछ के खाम खाम की यहाँ पे करूंगा। यहाँ के क्यों उठाएंगे जब इसे पत, उसे इसे उसे पता हो रिप्लाई नहीं कर रही तो कुछ दिक्कत हो गई, जब ही तो मैंने मैसेज कर रखा कि रिप्लाई क्यों नहीं कर रही कुछ रिप्लाई करके देखना ही मेरे। तो वो यूँ करे कि मैं करूँ तू ले लेना है तो फोन है तू करके देखना है तो रिप्लाई। मैं देख रहा हूँ मम्मी ने बताओ ये मम्मी बहुत करे फिर मम्मी बड़ी उबड़ेगी गर्ल की इन्होंने। ठीक हेलो अरे मजे न ली तो कैसे पता पड़ी। अरे हम फोन काट रहे थे मैं सुन लीजिए भाई और मो पे विश्वास ना तू है फिर भी देख लो फिर भी देख मेरा फोन नहीं पड़ा रहा मुझे नहीं पता कहाँ पड़ा फिर भी मैं सोच रहा मतलब भाई साहब छोड़ने को उल्टा सीधा सुना गया कैडी बात ये आदत नहीं है मेरी, ये आदत किसी की है सुनाने वाली। उल्टा होता था घर में तो भैया उल्टा उल्टा था घर में। अरे गोलू सच बताओ मैं करूँ किसी से बात सच बताओ बता दो गाइस ये प्रैंक हमने मन्ना दीदी और मम्मी पे मतलब भाई साहब पे तो कर लिया। मम्मी की बारी है मम्मी आएंगी तो करेंगे पानी वानी तो लिया सबको सब पर प्रैंक आ गया पानी वानी लिया मतलब ये एक ही प्रैंक मम्मी पे बाद में करेंगे वैसे दूसरा वाला बाद में करेंगे ये वाला करेंगे यू वाला तो करेंगे ना इस वाले में इस व्लॉग में जी बहुत ना सच कह रहा है अभी कैबिनेट को बना पड़ी है शाम तक होएगा प्लीज यार फ्रैंक खराब हो जाएगा थोड़ी सी पानी से डालो बेकार जा रहे बेकार जा रहे दो चप्पल में और मार दो ऊपर से
मेरी आत्मा में दुखी मत करे करो बताऊ मैं तुम्हें बिना मतलब के ना कोस करनी सही आ रही तुम अब भी सही होती तुम हंसने ही लग जाओ पहले तुम्हारी दादी तो मैं घुसी गई इनकी दासी कंट्रोल न होती आपको हम बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग दिखाए बने रहना।